नमस्कार, मैं सुमन शर्मा दिल्ली से आज अमूल के पेज पर लाइव आ रही हूँ। थैंक यू अमूल, बचपन की हमारी यादें अमूल के साथ जुड़ी हुई हैं। अमूल अटरली बटरली डिलीशियस, ऐसा मक्खन जो हमने बचपन से खाया है। अमूल के प्रोडक्ट्स अभी भी क्वालिटी और टेस्ट में सबसे ऊपर हैं। तो आज आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे अमूल ने इनवाइट किया है अपनी सिंपल होममेड रेसिपीज आपके साथ शेयर करने के लिए। और साथ ही में मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने यम प्लेट विद फूडीज को, सभी एडमिन्स, सभी मेरे मॉडरेटर्स, यम प्लेट विद फूडीज हमारी फैमिली, उन्होंने हमें को ये चांस दिया है कि मैं अमूल के इस पेज के ऊपर लाइव आ सकूं। तो मैं आज अपनी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ। आज का हमारा थीम है चटोरी दिल्ली। तो जैसे सबको ही पता है कि दिल्ली जो है वो उसमें सारे स्टेट्स क्या इंटरनेशनल सभी लेवल के टेस्ट दिल्ली में समाये हुए हैं, और दिल्ली उसमें लगाती है अपना एक चटपटा सा तड़का। तो आज हम चटोरी दिल्ली के चटपटे अंदाज में बनाने वाले हैं तीन रेसिपीज। मैं आज आपको मीठे में बनाने वाली हूँ यहाँ की बहुत ही स्पेशल पुरानी दिल्ली की स्पेशल खुरचन, और नमकीन में बनाने वाले हैं ढोकला, और वो भी चिली ढोकला, और साथ में मैं एक ड्रिंक बनाने वाली हूँ गुड़ और दूध के साथ पान ड्रिंक। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले बनाते हैं खुरचन के लिए, सबसे पहले हम तैयारी करते हैं। तो उसके लिए खुरचन के लिए हमें चाहिए दूध, गैस ऑन कर देते हैं। खुरचन के लिए हमको चाहिए इंग्रेडिएंट्स, आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमको एक कप दूध, और साथ में हमको बस सिर्फ दूध से बनती है ये खुरचन, सिर्फ हमको थोड़ा सा घी चाहिए होता है उसको ग्रीस करने के लिए बर्तन को। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमको हैवी बॉटम का एक पैन लेना होता है। अगर आपका हैवी बॉटम पैन नहीं है तो आप गैस के ऊपर उसको कुछ और प्लेट या कोई और तवा या कोई और चीज दे करके फ्लेम को कम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये लूंगी बर्तन और इसमें मैं ग्रीसिंग करूंगी ऑयल के साथ। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल लगा करके ग्रीस करते हैं, और ऑयल नहीं, मैं लगाने वाली हूं अमूल का देसी घी। देसी घी के साथ इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे, ये इस तरह से। और इस एक कप दूध को हम इसमें पोर कर देंगे। आज मैं खुरचन के रोल बनाने वाली हूं। वैसे खुरचन जो है वो इधर मैंने गैस ऑन कर दिया है और उसको गैस के ऊपर इसे रख देंगे। अभी मैंने फ्लेम को फुल ऑन किया हुआ है इसलिए कि जब तक इसमें एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसको बिना छेड़े हमको इसको पकने देना है। बस खुरचन का यही एक तरीका है बनाने का। वैसे तो खुरचन जो है वो लेयरिंग लेयरिंग में बनती है, लेकिन मैं जो आज खुरचन बनाने वाली हूँ उसमें मैं रोल बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी ये खुरचन पूरी साबुत बाहर आए। तो सबसे पहले हमने खुरचन के लिए दूध को चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए, इस पर नजर रखेंगे। अब साथ ही साथ हम बनाते हैं ढोकला का बैटर।
जैसे आप जानते हो दूध तो सिर्फ लिया है फुल क्रीम अमूल का दूध, उसी से ही बनेगी खुरचन, क्योंकि खुरचन ऐसी होती है जो मलाईदार खुरचन ऐसी होनी चाहिए जो मुंह में जाते ही घुल जाए। तो खुरचन के लिए अब मैंने अमूल का फुल क्रीम दूध लिया है, 1 कप दूध, और बस बर्तन को ग्रीस किया है, थोड़ा हैवी बॉटम का बर्तन लिया है, पैन लिया है, और उसमें मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया। अब आप देख रहे हैं कि दूध बॉईल हो रहा है और उसमें इस तरह के बबल आ रहा है, तो इसको अभी मैं गैस को फुल रखूंगी जब तक कि ये बबल पूरा इसको उबाल आ जाए। अभी इसको इस तरह ही रखेंगे। बस ये दूध में उबाल आ गया है, अब मैं गैस को थोड़ी देर के लिए मीडियम करूंगी और फिर बाद में बिल्कुल स्लो। दूध को कुछ छेड़ना नहीं है, इसको इस तरह पकने देना है। आंच को मैंने मीडियम स्लो कर दिया है। तब तक हम तैयारी करते हैं अपने ढोकला की। तो आज जो मैं ढोकला बनाने वाली हूँ वो सिंपल ढोकला तो बनाएंगे, लेकिन साथ में मैं बनाने वाली हूँ चिल्ली ढोकला। उसके लिए मैंने इस रेड कलर उसके लिए मैंने इस तरह रेड कलर की चिली ली है। इस रेड कलर की चिली से मैं ढोकला बनाने वाली हूँ। तो आज हमने क्या किया, 1 रेड चिली और 1 टेबल स्पून केचप, टोमेटो केचप, उसको लेकर के उसकी पेस्ट बना ली है। इस तरह से मिक्सी में बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाई है हमने इस रेड चिली की और इसकी। और इस चिल्ली के चटकारे से ही हम बनाने वाले हैं चिल्ली ढोकला। तो ढोकले की बैटर बनाने के लिए हम तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए लूंगी एक पैन में 1 कप बेसन। ये मैंने बिल्कुल नाप के लिया है इन कप से, मेजरिंग कप जो है, 1 कप बेसन इसको हम इसमें डालेंगे। साथ में इसमें लेंगे दही। दही मैंने जो लिया है 3/4 कप, इससे नाप के 3/4 कप दही। आप देख रहे हैं कि अमूल का दही कितना क्रीमी है और बहुत ही इससे अच्छा ढोकला बनता है। अब आप देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं सारे अमूल के ही प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास अमूल बटर है, अमूल का घी है, अमूल काओ दूध है, अमूल के चीज है, चॉकलेट है, अमूल ही अमूल है। मेरे घर में सब कुछ अमूल का ही आता है। तो ये देखिए मैंने इसमें 3/4 कप दही डाल दिया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं नमक। नमक मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून, लेवल टीस्पून नमक, और ये है पिसी हुई चीनी, और ये हम लेंगे 2 टीस्पून, 1 and 2, 2 टीस्पून मैंने शुगर लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी ज्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में ऑयल लेंगे 3, यानी 1, 2, 3, 3 टीस्पून ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, ये मैंने इसमें 3 टीस्पून ऑयल यूज किया है। एक बार इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स किया। आज मैं जो ढोकला बनाने वाली हूं वो स्टीम से ही बनेगा, लेकिन एक मैं उसको बनाऊंगी आज माइक्रोवेव में। वैसे हम उसको स्टीमर में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, धीरे धीरे से हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाऊंगी।
ताकि एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी मुझे मिल जाए जो मैं चाह रही हूँ। बहुत ध्यान रखना है कि इसमें बेसन में बिल्कुल भी लंप्स नहीं बनने चाहिए। इसको जितना अच्छा हम फेंट सकते हैं उतना अच्छा हमको इसको क्रीमी टेक्सचर में फेंटना है, इस तरह से। ये इस तरह से फिट जाएगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करने वाली हूँ बैटर को। एक तो ये जो कि ढोकला ही बनेगा और एक जिसमें कि मैं रेड चिली, एक बनेगा चिली ढोकला। चिली ढोकला के लिए मैंने हाफ पेस्ट ले लिया है, इसका हाफ ऑफ कर लिया है दोनों को। और इसमें मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच, और अगर हम बहुत ज़्यादा चिली खाते हैं तो हम 3 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2.5 स्पून लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चिली ना हो जाए। 2.5 स्पून मैंने इसमें चिली डाल दी है। इस दो बैटर्स तैयार हो गए हैं। एक बेसन, दही और नमक, चीनी और ऑयल का प्लेन ढोकला बैटर, जिससे हम लोग हमेशा ढोकला खाते हैं। और दूसरा जो बैटर तैयार किया है उसमें मैंने रेड चिली एंड टोमेटो केचप का पेस्ट मिक्स कर दिया है। अब इस स्टेज पर जब मैंने इसको मिक्स किया है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी काफ़ी हार्ड थी अभी, लेकिन ये चिली पेस्ट डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये पतला हो गया है, इस तरह से। अब इसको भी मैं उतना ही पतला करूंगी पानी डालकर। ये इस तरह। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कैसी है, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी, बहुत हार्ड भी नहीं है। और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से, इसको भी थोड़ा सा हम पतला कर सकते हैं। अब आ जाती है बारी तैयारी की कि हम अपना मोल्ड तैयार कर लें जिसमें कि हमने इसको बनाना है। तो मैं क्योंकि इसको बनाने वाली हूँ आज माइक्रोवेव में, तो मैं तैयारी करती हूँ। माइक्रोवेव में बनाने के लिए मुझे इस तरह का एक बर्तन लेना है जिसमें मैंने नीचे पानी लगाया है और उसके ऊपर ये रख दिया जाता है, ये मोल्ड्स हैं। तो आज मैं ढोकला जो बनाने वाली हूँ, ये मिनी ढोकला बनाने वाली हूँ। ये इस तरह का भी बनाएंगे मगर ये भी बनाने वाले हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रख दिया है और अब मैं इसमें फिलिंग करूंगी, और इधर साथ ही साथ मैं इसमें भी ग्रीस कर लेती हूँ और इसको भी फिल करेंगे। इससे पहले कि मैं बैटर में फ्रूट सॉल्ट मिलाऊं, हमें अपनी ये तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए ताकि हम बैटर, जब हम फ्रूट सॉल्ट मिलाते हैं उसके बाद हमको ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। ये मैंने फ्रूट सॉल्ट काट लिया है और मैं इसको भी ग्रीस कर लेती हूँ अमूल के बटर से, अमूल के घी से। आप घी, बटर, ऑयल किसी से भी ग्रीस कर लीजिए अपने जितने भी मोल्ड्स हैं। इसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है तो अब मैं इसमें मोल्ड्स में इनको डालती हूँ। उससे पहले मैं अपने बैटर में डालूंगी इनो, ये 1 पैकेट फ्रूट सॉल्ट। इनो इज अ फ्रूट सॉल्ट, 1 पैकेट फ्रूट सॉल्ट लगेगा। दोनों में मैं हाफ हाफ डालने वाली हूँ, तो हाफ मैं इसमें डालूंगी और हाफ मैं इसमें डालूंगी। साइमल्टेनियसली हम दोनों को, अब देखिए फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद इसको हल्के हाथ से इस तरह से फोल्ड करेंगे जब तक कि इसमें बबल्स जो हैं वो आने शुरू हो जाए। बहुत ही हल्के हाथ से इनको हिलाना है। बहुत ही फ्लफी और सुंदर डोसा बहुत ही फ्लफी सुंदर ढोकला बनेगा। ये देखिए इसमें इनो का रिएक्शन दिखना शुरू हो गया है। सिमिलरली हम इसमें भी देखेंगे कि इसमें इनो का रिएक्शन जो है, फ्रूट सॉल्ट का रिएक्शन शुरू हो जाए। हम इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे
अपसाइड डाउन करते हुए दिल्ली तो फेमस है, यहाँ पर हर स्टेट का खाना बहुत ही जल्दी से सब अपना लेते हैं, तो ढोकला जो गुजरात की खासियत है और वो दिल्ली में उसको किस तरह से चटपटा बना के खाया जा रहा है ये देखिए। अब देखिए इसने फ्रूट सॉल्ट ने क्या काम किया है, जस्ट सी इसमें बबल्स देख रहे हैं आप कितना अच्छे से इसमें ये जा रहा है। तो अब हम अपने मोल्ड्स को जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो मैं अभी इसमें डालती हूँ एक ये, इसी तरह इसमें दो ये डाल रहे हैं और दो मैं इसमें डालती हूँ चिलीज। इसको थोड़ा टैप करेंगे और अपने मोल्ड में इसको लगा दूँ। इसी तरह मैं मिनी ढोकला बनाने वाली हूँ, तो मैं मिनी के लिए इसमें ऐड करती हूँ आधे में इसमें प्लेन ढोकला। इस तरह से मैं इसमें प्लेन ढोकला ऐड कर रही हूँ बैटर। ये देखिए और दूसरी साइड में भरने वाली हूँ चिली। ये हमने बैटर लगा दिया चिली का। ये मिनी ढोकला सिंगल बाइट में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है मैं उसको थोड़ा हटा देती हूँ सो दैट कि हमें दिक्कत नहीं आए निकालते समय। रेडी, इसको भी हम इस पे स्टैंड में लगा देते हैं और इसका ये है कवर माइक्रोवेव में रखने के लिए। ये इस तरह से हम इसको बंद करेंगे और माइक्रोवेव में 5 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे। 5 to 6 मिनट्स माइक्रोवेव में बनने के लिए लगते हैं। ये देखिए माइक्रोवेव में इसको रख दिया। मिनट्स के लिए माइक्रोवेव 6 to 7 मिनट्स माइक्रोवेव के लिए लगा दिया है। तब तक इधर दिखाओ। ये देखिए हमारी जो खुरचन है वो इस तरह से साइडों से छुटनी शुरू हो गई है। मैं इसको भी थोड़ा नीचे की तरफ कर देती हूँ। गैस बिल्कुल स्लो कर दी गई है, आंच बिल्कुल स्लो पे है और ये खुरचन को बस कुछ छेड़ना नहीं है। अब ये धीरे धीरे जब तक ये बबल अपने आप नीचे नहीं सेटल हो जाता तब तक हम इसको इसी तरह बिल्कुल स्लो गैस के ऊपर पकने देंगे। इधर मैंने स्टीमर भी ऑन कर दिया है और मैं झटपट स्टीम करके डोसा भी स्टीम खाए ढोकला स्टीम बनाने वाली। ये देखिए ये मैंने इसको ग्रीस कर दिया है, हाँ अमूल के घी से इसको ग्रीस किया है और अब मैं जो ये बैटर है इसमें हम स्टीम करके भी ढोकला बना के दिखा देते हैं। जो भी बैटर बचा हुआ है उससे हम चाहे तो आप स्टीमर में बनाएं या चाहे आप माइक्रोवेव में बनाएं, आप दोनों तरह से ढोकला जो है वो बना सकते हैं।
एक तरफ हमारी खुरचन तैयार हो रही है और एक तरफ हमारा ढोकला तैयार हो रहा है। ये देखिए मैंने मिक्स बना दिया ये। तो अब इसको भी हम स्टीमर में रख देते हैं। इसको भी 5 to 6 minutes लगेंगे ढोकला बनने में। स्टीमर को वो बंद कर देते हैं। 5 to 6 minutes हम इसे होने देंगे। अब इसको देख लीजिए, अभी भी इसमें बबल है और अगर हम इसको साइड्स में देखेंगे तो इसको साइड्स में थोड़ा ड्राइनेस तो आ रहा है लेकिन अभी भी दूध है। तो अभी हमारी खुरचन जो है वो पूरी तरह से नहीं बनी है। अभी हम इसको बस बिना छेड़े इसी तरह पकने देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिंक की ओर। जो मैं ड्रिंक बनाने जा रही हूं वो है गुड़ से बना हुआ ड्रिंक। जो मैं ड्रिंक बनाऊंगी उसमें मैंने लिया है अमूल का फुल क्रीम मिल्क। ये है 1 glass ऑफ मिल्क। इसको मैंने बॉईल करके हाफ रिड्यूस करके और ठंडा किया है। और इसमें हम डालने वाले हैं गुड़। और ये मैंने लिया है गुड़। जो गुड़ है ये मेरे पास, उसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। आप सिंपल गुड़ भी ले सकते हैं मगर मेरे पास ये ड्राई फ्रूट वाला गुड़ था, मैंने उसको प्रेफर किया क्योंकि ये बड़ी रिच डिलाइटेड बहुत अच्छी डिश बनने वाली है, डेलिकेसी। तो मैंने ये गुड़ को इस तरह से क्रश कर लिया है। तो इस दूध में हम डालेंगे गुड़। मिक्सचर जार में हमको दूध लेना है। पहले हम डालेंगे गुड़। क्योंकि मैं ये पान डिलाइट बना रही हूं तो मैंने इसमें एक पूरा मिक्स पान, ये मीठा पान, ये है मीठा बनारसी पान जो हम खाते हैं, मीठा पान, उस गुड़ के साथ मैंने इसके टुकड़े करके मिक्सी में डाला है और इस तरह से थोड़ा सा दूध डाल के इसका क्रश बना लिया है। क्योंकि मैं ये ठंडा मेरे को चाहिए तो इसलिए मैं अभी इसको गर्म नहीं बना रही हूँ। ये हो गया हमारा गुड़ और पान और थोड़े से दूध के साथ बना हुआ मटेरियल। अब हम इसको जो हाफ रिड्यूस दूध है उसके साथ मिक्सर जार में डाल करके अच्छे से चर्न कर लेंगे। तो अभी हम इसको, क्योंकि ये मैंने मिक्सचर तैयार किया हुआ है तो इसलिए मैं इस मिक्सचर के साथ, इसमें गुड़ भी है और तो इसलिए मैं इस मिक्सचर के साथ ही आपको, बस कुछ नहीं करना, हाफ रिड्यूस्ड मिल्क, गुड़ एंड पान का मिक्सचर और मिक्सी में डाल करके उसको अच्छे से घुमाना है और चिल करने के लिए रख देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ठंडा करके रखा है, चिल मिक्सचर है मेरे पास, मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ। तब तक हम ये संभाल लेते हैं। देखिए इसकी साइड्स छुट रही हैं बहुत अच्छे से। ये इस तरह से हम इसको साइड से थोड़ा छुड़ाते रहेंगे, ये इस तरह से, जब तक बबल सेटल नहीं हो जाएगा इसको हम इसी तरह उबलने देंगे। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ इस मिक्सचर को हाफ रिड्यूस्ड दूध के साथ, गुड़ और पान को हाफ रिड्यूस्ड दूध के साथ इस तरह से मिक्सर जार में चला लिया है और ये मेरा ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। ये अमूल का फुल क्रीम मिल्क है, बहुत ही अच्छा टेस्ट, जिसको बोलते हैं ना गुड़ की एक खास मिठास, वो है इसमें। पान है,
पान का अपना फ्लेवर गुड़ के साथ और दूध के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको मैं बाद में डेकोरेट करूँगी। ये मेरे पास क्रीम है, ये भी अमूल के विप मैंने क्रीम लेके उसको थोड़ा फेंटा है बीटर से और ये इस तरह से थोड़ा विपिंग क्रीम बन गई है। तो ये हमारा ड्रिंक जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने इधर तैयार देख लेते हैं कि हमारा ढोकला कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि हमको ढोकले को छौंक भी लगाना है। मैं एक बार माइक्रोवेव में 6 मिनट के लिए ढोकला रखा था और ये देखिए मुझे लगता है मैं टूथपिक से एक बार चेक कर लेती हूँ। यस, रेडी है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये निकल के आया है। बस मैंने 6 मिनट्स के लिए इसको रखा था ढोकले को और ये बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको भी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको निकालेंगे। मोल्ड्स को निकाल लेते हैं। ये अगर हम चेक कर लें कि अगर ये भी हो गया है, हो गया है, गुड। तो हम ये दोनों मोल्ड्स जो हैं वो निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा माइक्रोवेव में तैयार हुआ चिली ढोकला, प्लेन ढोकला, मिनी ढोकला एंड दिस इज सिंपल ढोकला इडली शेप में। तो बिल्कुल नए अंदाज में ढोकला बनाया। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए इसको भी हम साथ ही संभालेंगे। बिल्कुल इस स्टेज के ऊपर सारे बबल्स हट गए हैं, ये बिल्कुल रेडी है हटने के लिए। गैस को बंद कर देंगे, मैंने गैस से इसे हटा लिया है। ये जो थोड़ा सा बबल है ये इसके अपनी गर्मी में ही पकेगा। बस यहाँ पर हमको बहुत ध्यान रखना है, इस स्टेज से आगे खुरचन को नहीं पकने देना, नहीं तो फिर वो जलना शुरू हो जाएगी। जब तक ढोकला ठंडा होता है तब तक हम इस खुरचन को तैयारी करते हैं। ये देखिए खुरचन को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। बस ये इस तरह से यहाँ से जो है आप देख रहे हैं उतरनी शुरू हो रही है। बस इसमें एक ही बात है कि हमको इस बात का ध्यान रखना होता है जो खुरचन है वो पूरा का, अगर मुझे रोल बनाना है तो ये पूरा साबुत निकल जाए। तो देखते हैं आज ये निकलता है कि नहीं, पर मुझे इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तब तक मैं साथ ही साथ इसको भी चेक कर लेती हूँ ढोकला। ये भी देखिए बहुत अच्छे से आ रहा है, मगर लगता है अभी इसको 2 मिनट है। हाँ, अभी इसको 2 मिनट और रखना होगा। तो स्टीम करके भी आप ढोकला बना सकते हैं अगर आप माइक्रोवेव यूज नहीं करना चाहते। अब मैं आती हूँ अपने इस पर, इसको बहुत ही ध्यान से मुझे हटाना है। यहाँ पर थोड़ा आपको पेशेंस दिखानी होगी। इस तरह से इसको स्लोली स्लोली हम इसे निकालते चले जाएंगे, स्लोली स्लोली। ये देख रहे हैं आप किस तरह ये आ रहा है बाहर, प्योर दूध और कुछ नहीं। ये इस तरह से मैं इसको देखिए कैसे खुरचन को निकाल रही हूं। थोड़ा गर्म है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा तो आई थिंक सो बहुत अच्छे से निकलेगा। ये देखिए अगर ये पूरा नहीं भी निकलता तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। खुरचन जो है वो लेयर्स में भी खाई जाती है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि अगर पूरा नहीं निकला या चिपक रहा है।
बहुत स्लोली स्लोली हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा खुरचन जो है वो बहुत अच्छे से निकल आया। ये देखिए, अगर ये थोड़ा रह गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम इसको इसी में ही इस तरह से ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए, ये मेरा रोल बनने के लिए तैयार है। अब हम देखते हैं कि इसका रोल बनाने के लिए हम इसमें क्या भरने वाले। बहुत ही सिंपल, क्योंकि खुरचन ऐसी होनी चाहिए जो मुंह में जाते ही घुल जाए, तो मैंने इसमें भरने के लिए लिया है अमूल फुल क्रीम दूध की उतरी हुई मलाई और अमूल ही फुल क्रीम दूध की बनी हुई रबड़ी। ये आप देख रहे हैं, एक चम्मच रबड़ी और एक चम्मच मलाई मिक्स करनी है, जिसमें मैंने एक चम्मच पिसी हुई चीनी मिलाई है। इस तरह से इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, ये है मलाई और रबड़ी, इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और इसमें थोड़ी चीनी भी मिलाई हुई है। रबड़ी में भी थोड़ी पिसी हुई चीनी हमने इसमें मिला दी थी। ये इस तरह से बहुत ही हल्के हाथ से ये रोल बनता है। जितना अच्छा रबड़ी और चीनी और मलाई इसमें जाएगा, उतना ही टेस्ट आनंद आएगा इसमें। ये देखिए, ये हमारा बन गया खुरचन रोल, है ना मस्त। एक और बनाते हैं। ये देखिए, जो मैंने पहले से बनाया है उसका तो बहुत ही अच्छे से ये मेरा निकल के आया था, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होते हैं, इसको थोड़ा समय चाहिए कि, और 2 से 3 मिनट हम इसको और दे दें कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसको भी अच्छे से कोट कर देते हैं। खुरचन दो तरह से मिलती है, एक तो रोल मिलता है और एक इसी तरह से, जैसे मैं इसको लेयरिंग करने वाली हूँ उस तरह से भी पीसेस में भी मिलती है। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे, मलाई और रबड़ी। बहुत ऐसा मुंह में जाते ही घुल जाएगा, इतना अच्छा इसका टेक्सचर होता है और टेस्ट तो लाजवाब है। आप एक बार खाएंगे तो भूल ही नहीं पाएंगे। परांठे वाली गली में इनकी 200 साल पुरानी एक शॉप है जहां की खुरचन बहुत ही मशहूर है। और ये देखिए, फ्रेशली मेड है तो कितना अच्छा ये बना है। ये क्योंकि मैंने पहले का बना के रखा है तो इसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया, ऐसा अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे। तो ये हमारे खुरचन के रोल्स तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम संभालते हैं साथ ही साथ अपने ढोकले को। अभी हम प्लेटिंग करेंगे, बना के रखते हैं सारा सामान। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया है ढोकला। नहीं, अभी भी नहीं हुआ है, मुझे अभी इसको 2-3 मिनट और देने होंगे। अभी भी इसमें थोड़ा सा कसर है तो कोई बात नहीं, पर माइक्रोवेव का बस यही एक फायदा है कि वो बहुत ही जल्दी से क्विकली बन जाते हैं। इसमें अभी और 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो तब तक हम
अपनी प्लेटिंग का काम शुरू करते हैं और ढोकला का छोंक तैयार करते हैं। तो ढोकला का छोंक बनाने के लिए मैं लूंगी पैन, मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हम लेंगे ऑयल, इसमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगता, ओनली 2 स्पून ऑयल बस। अब साथ ही में इसमें हम डालेंगे ये है सरसों के दाने, तो हम इसमें 1 चम्मच करके सरसों के दाने इसमें डाल देते हैं। मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं 1/2 चम्मच और डाल देती हूँ। साथ ही में इसमें डालेंगे हरी मिर्च। जब ये देखिए थोड़ा सा ये चटक जाए तो हम ये हरी मिर्च, क्योंकि मैं आज इसको लाल मिर्च से भी बनाने वाली बनाया है तो मैं इसमें लूंगी लाल मिर्च। ये देखिए अब मैं इसमें डालने वाली हूं कड़ी पत्ता। दाने थोड़े चटक गए हैं, सरसों के दाने थोड़े से चटक गए हैं, ये देखिए। इसी के साथ हम डाल देते हैं 8 से 10 दाने कड़ी पत्ता के। थोड़ा सा मिर्ची को और सरसों के दाने जब चटक जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पानी। वन एंड अ हाफ कप, क्योंकि ढोकला सोक कर लेता है पानी को, इसलिए हमको 1.5 कप पानी लेना है। साथ ही में लेना है नमक 1/2 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी हमने नमक बैटर में डाला हुआ है, 1/2 टीस्पून नमक। और शुगर इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून। एक बॉईल आने तक इसको अच्छे से बॉईल आने तक रखेंगे गैस के ऊपर। ये हमारा ढोकले का जो ऊपर से हम बघार देते हैं वो तैयार हो रहा है और इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आएगा लेमन जूस से। एक बार इसे उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। तो हमारा ढोकला भी तैयार हो गया। स्टीमर में भी ढोकला तैयार हो गया है, चेक कर लेते हैं। हाँ, अब ये बिल्कुल तैयार है। हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे।
तब तक हम इनको डीमोल्ड कर लेते हैं क्योंकि ये ठंडे हो गए हैं इस तरह। ये देखिए, तो पहले मैं इसको डीमोल्ड करती हूं। चम्मच की सहायता से इनको इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये इनका स्पॉन्जीनेस दिखाती हूं अभी मैं आपको, कितने स्पॉन्जी बने हैं। जस्ट सी, आप स्पॉन्ज देख रहे हैं कितना अच्छा आया है। ये है चिली, रेड चिली ढोकला, इसको भी निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारा रेड चिली ढोकला एंड प्लेन ढोकला। ये देखिए स्पॉन्ज। इसी तरह हम इन छोटे को भी, मिनी ढोकला को भी मोल्ड से बाहर कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये इस तरह से निकल जाते हैं। ये इधर से दूसरे प्लेन भी, ये मैं सारे डीमोल्ड कर लिए। ये देखिए, अब आपको इन दोनों ढोकलास को दिखाती हूँ। ये जो मिनी ढोकलास हैं, ये भी बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी बने हैं। तो अब हम अपनी सर्विंग शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इसमें भी एक बॉईल आ गया है। ये देखें, पानी मैंने थोड़ा ज्यादा ही लिया है क्योंकि जो ढोकला है वो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करता है। इसको भी डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे सारे ढोकलास जो हैं वो डीमोल्ड हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए, सारे ढोकलास जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए। पानी को भी मैं अब बंद करने वाली हूँ। ये हो गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हम लेमन जूस मिलाएंगे। गरम पानी में लेमन जूस नहीं मिलाना चाहिए, कई बार कड़वा हो जाता है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्लेटिंग की ओर। तो सबसे पहले मैं प्लेटिंग करती हूँ अपने मीठे की। ये है हमारे रोल्स। तो हम इनको क्या करते हैं, इनकी जो साइड्स हैं इनको पहले हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए, और इसके जो पीसेस हैं मैं इसके डायगोनल 2 पीसेस करने वाली हूँ। ये इस तरह से, और इसको हम स्टैक करेंगे। ये इस तरह से भी मिलता है, ऐसे परत दर परत खुरचन जो है वो इस तरह से मिलती है। ये दो तरह से हमको खुरचन जो है वो सर्व होती है। तो मैंने इसको सर्व करने के लिए तैयारी की हुई है। आइए देखिए, मैं खुरचन को सर्व करने वाली हूं इस प्लेट में। ये इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही सॉफ्ट खुरचन बनी है। ये आप अंदर इसकी फिलिंग देख सकते हैं, रबड़ी से भरी हुई खुरचन, और बहुत ही आनंद आ जाएगा इसको खाने में। ये इस तरह से खुरचन को, और ये स्टैक की हुई जो खुरचन है इसको भी हम अलग से एक प्लेट में रख देते हैं। ये हो गया हमारा रोल, खुरचन रोल। ये पानी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपना
ड्रिंक जो है वो भी तैयार कर लेते हैं। देखिए ड्रिंक के लिए मैंने ये ग्लास लिया है, इसमें हमें डालने वाली हूं कुछ चेरीज। नीचे मैं इसमें डालने वाली हूं चेरीज, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा ड्रिंक है और इसको ठंडा ही पीने में मजा आएगा। इस तरह से कुछ चेरीज मैंने इसमें लगा दी हैं और बिल्कुल चिल्ड हुआ हुआ है ये। देखिए इसका कलर पान के मिलने से कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ, और फ्लेवर की तो बात ही अलग है। तो हम इसको इसमें पोर करते हैं। ये गया इसमें पान और गुड़, और इसके ऊपर हम डालने वाले हैं ये व्हिप क्रीम, बहुत सारी व्हिप क्रीम ये इसके ऊपर जाएगी। ये देखिए क्या ड्रिंक बना है, बहुत ही अच्छा। अब हम इसका स्टरर इसमें लगा देते हैं और हम इसको डेकोरेट करेंगे। इस तरह से ये हमारा गुड़ और पान का ड्रिंक तैयार है। तो इसको भी मैं अपनी ट्रे में लगा देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी ढोकले की ओर। अच्छा, जो ये इसका तैयार किया है इसको हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सोक कर ले। मैं इसमें लेमन जूस नहीं डाला, मैं इसमें लेमन जूस डालकर ये खट्टा मीठा और नमकीन का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये इस तरह से हमने इसको ढोकले को तैयार कर लिया है, लेकिन मैं इसको सर्व करने के लिए एक और, ये देखिए मैं इसको सर्व करने के लिए एक ढोकला लूंगी ये, और चिल्ली ढोकला और साथ में प्लेन ढोकला। इस तरह से मैंने इन तीनों को लिया है और इस तरह से मैं बना लूंगी ढोकले के छोटे छोटे बाइट्स। तो एक हम लेंगे प्लेन ढोकला, फिर चिली ढोकला एंड देन प्लेन ढोकला। ये छोटी छोटी बाइट्स खाने में बहुत मजा आएगा। इसी तरह से मैंने एक प्लेन लिया है, एक मैं चिली ले लेती हूं और एक और हम प्लेन ले लेते हैं इस तरह से। और ये है जो हमारे ढोकलास जो तैयार हुए हैं। अब इसको मैं प्लेट में सर्व करती हूँ। प्लेट में मैंने रेड चिली, साथ में हम इसके सर्व करेंगे चिलीज, इस तरह से। इसको ग्रीन चटनी और इमली की चटनी के साथ
ये बन रहा है चटपटा। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ये जो टिप्स हैं इनकी मिर्ची की, वो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। ये देखिए, ये इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाने वाला है। ये है ग्रीन चिली और इसको भी हम ग्रीन चिली में लगा। ये देखिए, ये है हमारे ढोकलास, मिनी ढोकलास ग्रीन चटनी के साथ और मिर्ची के साथ सर्व किया है। ये है खुरचन और वो है मेरा ड्रिंक। ड्रिंक में मैं और ऐड करने वाली हूँ एक चीज। ये मैंने बनाई है रोज आइस, तो ये छोटे छोटे हार्ट्स जो हैं रोज के, ये मैं इसमें ड्रिंक में ऐड करने वाली हूँ। ये ठंडी ड्रिंक आइस के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए, मैं इसको, ये देखिए, इसको हम डालने वाले हैं यहाँ और एक और यहाँ। तो ये कंप्लीट तैयार है हमारा प्लेटर। ये हमारा प्लेटर बिल्कुल तैयार है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और ये देखिए, ये है मेरा प्लेटर। आज मैंने बनाया है, मीठे में बनाई है खुरचन, जो कि चांदनी चौक की बहुत ही स्पेशल डिलाइट है। आप चांदनी चौक जाए तो जरूर खाइएगा, बहुत पुरानी मिठाई है और हमारे दिल्ली की खासियत है। साथ में मैंने बनाया है ढोकला, जो चिल्ली ढोकला है, और एक मैंने बनाया है ड्रिंक जो कि पान और दूध से और गुड़ से बना है। ये है मेरा प्लेटर, होप सबको अच्छा लगा होगा। सॉरी मेरा थोड़ा डिले हो गया था किसी कारणवश, अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अमल फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू यम प्लेट विथ फूडीज, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय। ओके, लाइव, हाँ नाउ इट्स ओके। अमूल के सारे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, चटोरी दिल्ली के थीम पर आज का लाइव ओवर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।